भाई ये गाड़ी एक इकलौती ऐसी गाड़ी है जो सीएनजी में आती है, तो देखो सभी लोग इस गाड़ी को देखने आए हैं कि सब लोग देखते हैं कि भाई सीएनजी की प्लेसमेंट कहाँ पर रखी गई है। कुछ लोग मार्केटिंग के होते हैं या जोमेटो स्विगी वाले होते हैं, भाई उनको ये गाड़ी बहुत ही पैसा बचा के देगी। भाई इस समय मेरे पीछे आपको क्या दिख रहा है, देखो सीएनजी टैंक दिख रहा है, मतलब मैं अभी सीएनजी पंप पे खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि भाई अपने इंडिया में बजाज कंपनी ने फर्स्ट टाइम एक ऐसा तहलका मचाया है पूरे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इंडिया में ही नहीं पूरे ऑल ओवर कंट्रीज में, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हाइब्रिड बाइक लॉन्च करी है, वो रही बजाज फ्रीडम 125cc, जो कि पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों से ही चलेगी। आज आप जानने वाले हो कि इस गाड़ी में कितना माइलेज मिलेगा और ये सीएनजी में कितना चलेगी, पेट्रोल में क्या माइलेज मिलने वाला है, क्या प्राइसिंग होने वाली है इस गाड़ी की, क्या ग्राउंड क्लियरेंस है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको बता देता हूँ, 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में मिल रहा है, लेकिन क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कितना केजी सीएनजी आएगा, कितने लीटर पेट्रोल आएगा, आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट फेस की। फ्रंट फेस में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको LED सेटअप मिलता है, बिल्कुल नया डिजाइन यहाँ पर कंपनी ने आपको ऑफर किया है। अगर हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर हमें हेलोजन बल्ब मिलते हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर फ्रीडम की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिलती है और बीच में हमारे इंडियन फ्लैग भी आपको देखने के लिए मिल रहा है और क्रोम में मिल जाता है। और यार इसकी सस्पेंशन की अगर कवरिंग आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ पर कंपनी आपको अप साइड डाउन सस्पेंशन ऑफर कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजाइन हालांकि 100% सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कंपनी ऑफर कर रही है। ये टॉप एंड वेरिएंट आप देख रहे हैं, डिस्क वेरिएंट, इसमें आपको डिस्क ब्रेक सामने मिल जाती है। फ्रंट टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 17 इंच का टायर मिलने वाला है ट्यूबलेस के साथ, और बहुत ही नए डिजाइन के साथ कंपनी यहाँ पर आपको अलॉय व्हील ऑफर कर रही है। यहाँ पर आपको सिल्वर असेंट्स का यूज किया गया है। अगर हम इस मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइबर प्लास्टिक का यहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। ये इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड बाइक है दोस्तों। अब साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है और फ्रीडम का भी लोगो मिल रहा है। यहाँ पे आपको टैंक एक्सटेंशन मिल रहा है, सिल्वर असेंट्स का यूज किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप नीचे आओगे नीचे की ओर लोअर ट्रिम में, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक और मेटल दोनों का ही यूज किया गया है, जो कि इंजन गार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब इंजन गार्ड की बात तो हो ही गई है, अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको 125cc का इंजन कंपनी ऑफर कर रही है और यहाँ पर आपको 9.3 bhp का पावर मिल जाता है और 9.7 nm का कंपनी यहाँ पर आपको टॉर्क ऑफर कर रही है और 600 rpm के साथ। सबसे ज्यादा हम लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि भाई गाड़ी हाइब्रिड बनाई है पेट्रोल प्लस सीएनजी, क्या इस गाड़ी का साउंड कैसे होने वाला है, गाड़ी का साउंड बहुत साइलेंट है या बहुत हाई है। तो चलिए एक बार सुनाता हूँ आपको और गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ये बिल्कुल इसका नॉर्मल साउंड है बिना एक्सीलेटर किए। अब मैं थ्रॉटल जैसे ही घुमाऊंगा तब आप सुनना उसको ध्यान से। तो यहाँ पर आपने जैसे कि सुना एग्जॉस्ट नोट बहुत ही प्यारा रखा गया है। भाई रियर प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया लगती है। अगर आप ओवरऑल ये चीज देखोगे मोनो सॉक सस्पेंशन के साथ अगर देखोगे तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि 200 NS जो पहले आती थी उस तरीके से इसका जो डिज़ाइन है वैसा आपको लगता है। तो रियर प्रोफाइल भी इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल सोवर रखी गई है। तो भाई एक बार ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। भाई इतने कम पैसे में आपको LED टेल लैंप मिल रही है और यहाँ पर आपको ग्रैब रेस भी मिल रहा है। और ये जो असेंबली है ये पूरी ही यहाँ पर कनेक्टेड है। अब थोड़ा सा नीचे तो टायर हगर आ जाता है। तो भाई आजकल आप देख ही रहे हो बारिश का टाइम है और भाई ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो गाड़ी के पीछे होता है ना भाई उसके मुंह पे कीचड़ उड़ जाता है। तो हर कंपनी को ये चीज़ देनी चाहिए। तो भाई अब बारी है इसका CNG टैंक देखने की। अब इसका CNG टैंक ओपन करके देखते हैं कि भाई इतनी लंबी सीट बना दी कंपनी ने और इसको कैसे प्लेसमेंट दिया है, तो ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये गाड़ी CNG प्लस पेट्रोल हाइब्रिड तो है, लेकिन इसका टैंक कहाँ पर रखा है। अगर आप देखोगे चारों तरफ घूम के गाड़ी के, आपको CNG टैंक कहीं नहीं दिखने वाला। यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको इंजन मिलेगा, भाई कहीं भी नहीं दिखेगा, ये मिलेगा आपको सीट के नीचे। तो चलो ओपन करके दिखाता हूँ। तो नॉर्मल सिंपल की से ही मुझे ओपन करना होता है, तो एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो भैया ये रहा अपना CNG टैंक। यहाँ पर आपको 2 kg का CNG मिल जाता है और यहाँ पर जो कंपनी ने टेक्नोलॉजी यूज करी है 4-व्हीलर में यूज होते हैं उस तरीके का टैंक है। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया,
ये टैंक इतना सेफेस्ट है, इस गाड़ी के ऊपर एक ट्रक चढ़ा दिया गया था, वो भी लोड ट्रक था, इस गाड़ी के टैंक के ऊपर से निकला, लेकिन 1% भी गैस लीक नहीं थी और प्रॉपर गैस जितनी उसमें फील थी उतनी ही इसमें देखी गई। क्रैश टेस्ट किया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 1 से 1.5 टन का वजन के साथ इसे जब आमने सामने टकराया गया तब भी ये जो इसका टैंक है वो लीक नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बढ़िया कारण बता रहा हूँ मैं आपको। पास से अगर आप देखोगे ये जो चेचिस बनाया गया है, यहाँ पर ट्रेलिस फ्रॉम चेचिस कंपनी ने यूज़ किया है, तो भाई यहाँ पर बैटरी की प्लेसमेंट है, यहाँ पर आपको बैटरी रख के दी गई है, तो भाई बैटरी भी खराब नहीं होगी, गीली नहीं होगी और यहाँ पर कुछ जाने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सेफेस्ट रहेगी बैटरी आपकी। भाई ये गाड़ी कहीं से भी इम्पैक्ट हो जाए सीएनजी टैंक को कुछ भी नहीं होने वाला है और वाकई में बहुत सेफेस्ट टैंक ये माना जा रहा है। तो भाई ये टेंशन दिमाग से निकाल दो। बहुत लोग कह रहे थे कि भाई इस गाड़ी में 2 हेलमेट लगाने पड़ेंगे, एक सर पे लगाना पड़ेगा और एक नीचे लगाना पड़ेगा, तो भाई ये बात अपने दिल से बिल्कुल ही निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। 11 सेफ्टी चैलेंज इस गाड़ी ने पार किए हैं, तो भाई ये चीज़ काफ़ी सही है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस है कि ये गाड़ी अगर चलते चलते पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो भाई गाड़ी इतनी स्मार्ट बनाई गई है, इतने स्मार्ट फीचर्स है इसमें, ऑटो स्विच हो जाएगा, सीएनजी में स्विच हो जाएगा। क्या अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और घर से हम गाड़ी निकाल रहे हैं तो क्या ये गाड़ी स्टार्ट होगी सीएनजी पे? भाई बिल्कुल होगी, इसको इस तरीके से ही बनाया गया है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। चलते चलते सीएनजी खत्म हो जाए तो पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी। भाई हर 3 साल के बाद आपको ये पीसो टेस्ट सर्टिफिकेट लेना होता है जो कि टैंक का होता है, तो भाई ये हमारी सेफ्टी होती है। 3 साल बाद इसे टेस्ट किया जाता है कहीं जंग तो नहीं लग गया या कहीं इसकी क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं आ गई, तो भाई आपकी सेफ्टी के लिए होता है। हर 3 ईयर्स में आपको इसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है जिसे कहते हैं पीसो टेस्ट। भाई बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर कंपनी ने बना के दिया है। स्क्रीन भले ही इसकी छोटी है लेकिन यहाँ पर डिटेल आप पूरी देख पाएंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर साइड स्टैंड इंगेज है, तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मीटर मिल जाता है जिसमें पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों ही चीज़ें आपको देखने वाली हैं। अब ऊपर में भी आपको यहाँ पर माल फंक्शन मिल जाता है, सीएनजी इंगेज है या पेट्रोल इंगेज है, यहाँ पर आपको मिल जाता है न्यूट्रल, और यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम के जो भी इंडिकेशन है वो आपको ऊपर में मिल जाता है। यहाँ पर आपको ए टाइप USB पोर्ट मिल जाता है, तो भाई फ़ोन मोबाइल या कोई भी डिवाइस आपको चार्ज करना है तो कर पाओगे। यहाँ पर जो आपको ये बटन दिख रहा है ना, ये आपका फ़ोन अटेंड करने के लिए बटन यहाँ पर है। आप यहाँ से गाड़ी चलाते समय देख पाओगे कि भाई अगर कोई फ़ोन में नंबर सेव है तो ही आप उसका नाम स्क्रीन पे देख पाओगे, अदरवाइज वो फ़ोन नंबर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि भाई आपको कॉल आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है, यहाँ से सीएनजी और पेट्रोल को स्विच कर सकते हो, तो भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया है। फिट एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। भाई आप देख सकते हो यहाँ पर हैंडल बार मिल रहा है। अच्छा एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है, जो सीटिंग कम्फर्ट है भाई वो बहुत बढ़िया लग रहा है। सस्पेंशन भी टेलीस्कोपिक मिल रहा है, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया मिलती है। हैंडल की अगर बात करें तो भाई लॉन्ग रूट पे आप इसको लेके जा सकते हो, डेली अगर 100-200 किलोमीटर चलाने वाले आदमी हो, कुछ लोग मार्केटिंग के होते हैं या जोमेटो स्विगी वाले होते हैं, भाई उनको ये गाड़ी बहुत ही पैसा बचा के देगी। अब मैं आपको सीएनजी टैंक से जुड़े हुए 2 फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर आपको भाई गेज मिल जाता है, प्रेशर चेक कर सकते हो कि भाई कितना सीएनजी आपके टैंक में है। एक और चीज़ इसके नीचे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जैसे कि रेगुलेटर टाइप का आपको यहाँ पर मिल रहा है। इमरजेंसी अगर आपको बंद करना है तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम सीएनजी पंप पे आए तो गाड़ी कर देनी है आपको बंद और आपको भाई ओपन करना है। देखो यहाँ से तो आप अपना फ्यूल करवा सकते हो पेट्रोल, और यहाँ से आप अपना सीएनजी डलवा सकते हो। तो भाई इसको ओपन करने के लिए आपको सीधा ही इसको खींचना होगा और यहाँ से आप डलवा सकते हो। जैसे मैं सीएनजी डलवाने आया ना, तो भाई मेरे को गाड़ी से उतर जाना है, मेरे को उतर के साइड हो जाना है, बैठ के आपको कभी भी सीएनजी फिल नहीं करवाना है, तो भाई आप डालो। अब देखते हैं कितना आता है इसमें सीएनजी। और काफ़ी लोगों के भाई यहाँ पर क्वेश्चंस है कि भाई सीएनजी भरवाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब 2 से 3 मिनट में आपका सीएनजी फुल हो जाता है, मतलब 2 से 3 मिनट में ज़्यादा ही कह रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो खुद टाइम आप काउंट करना। अब भाई देखो शुरू हो चुका है, तो शायद ये रुक चुका है। 17.50 रुपये का इसमें अभी भाई सीएनजी आया है, ऑलरेडी था ही इसमें, लेकिन अब मैं आपको लाइव करके दिखा रहा था, तो भाई इतना ही टाइम लगता है। अगर 2 किलो भी होता तो इतना टाइम नहीं लगता, जितना पेट्रोल में आपको टाइम लगता है उतना ही टाइम आपको इस गाड़ी में लगने वाला है। जैसे ही सीएनजी फिल हो गया उसके बाद आप भाई इसको बंद कर दो। और अब जैसे कि आपको मैं बता रहा था ये गाड़ी कितना माइलेज देने वाली है आपको,
ये गाड़ी पेट्रोल में आपको 65 प्रति किलोमीटर का माइलेज देने वाली है, मतलब एक लीटर में 65 किलोमीटर चलेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 2 लीटर की मिलती है पेट्रोल की और 2 लीटर की आपको मिलती है सीएनजी की। तो टोटल मिला के जो आपकी गाड़ी चलने वाली है वो 330 किलोमीटर चलेगी। 1 kg सीएनजी में ये गाड़ी कितनी चलेगी मैं आपको बताता हूँ भाई, ये गाड़ी चलेगी 102 किलोमीटर 1 kg में, और 2 kg में 204 चलेगी। तो भाई ये बहुत अच्छा माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है। अब बात कर लेते हैं भाई बहुत ही तगड़े फीचर की, जो कि बहुत ही हिडन रखा गया है, बहुत कम लोगों ने बताया है, मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि भाई मेरा फर्ज बनता है आपको उस रियलिटी बताने का। ये इंजन की अगर हम बात करें, बजाज के इंजन आपने देखे होंगे तो भाई स्टैंडिंग पोजीशन में मिलते हैं, मतलब जो इंजन है वो आपको खड़े टाइप में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका इंजन लेटा हुआ है तो ये चीज़ डिफरेंट है। दूसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर जो कूलिंग जेट है वो कूलिंग जेट यूज़ किया गया है 200 cc की बाइक का, 125 cc की बाइक में 200 cc का कूलिंग जेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो भाई गाड़ी आपकी हीट नहीं होगी। बहुत सारे रिव्यूज़ है कि गाड़ी गर्म नहीं होती है चलते टाइम, तो भाई उसके पीछे का जो कारण है वो यही है। भाई ये फीचर आप लोगों को ऐसा लगा भाई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, गाड़ी गर्म ही नहीं होगी तो भाई लॉन्ग रूट पे ले जाओ, चलाओ बिंदास, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। भाई ये गाड़ी ही एक लौती ऐसी गाड़ी है जो सीएनजी में आती है, तो देखो सभी लोग इस गाड़ी को देखने आए हैं कि सब लोग देखते हैं कि भाई सीएनजी की प्लेसमेंट कहां पर रखी गई है। तो भाई आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही सेफेस्ट है, ट्रक चढ़ा के देखा है इसके ऊपर कंपनी ने, कोई भी लीकेज नहीं आया है, जहाँ पर पीछे बैटरी मिल रही है। अच्छा, इस टैंक के बारे में आपको बता देता हूँ, 11 टाइम इस गाड़ी की सेफ्टी टेस्ट की गई है। जब इस गाड़ी को 1.5 टन से टकराया गया 60 किलोमीटर की स्पीड से, तब भी इसका टैंक लीक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो चेचिस कंपनी ने यूज़ किया है, ये गाड़ी चारों ओर से कहीं से भी अगर इम्पैक्ट हो गई ना तो भाई टैंक पर एक खरोच भी नहीं आने वाली। कंपनी ने इसे बनाते बनाते टोटल 3 साल लगाए हैं, बहुत ही सोच समझ के गाड़ी को बनाया गया है, तो आप निश्चिंत हो कि ये गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपका डेली रनिंग, अभी आप सीएनजी कार यूज़ कर रहे हैं राइट, तो आपने सीएनजी क्यों प्रेफर किया कि आपका खर्चा बचे, एवरेज आपको माइलेज अच्छा है। इस गाड़ी में आपको सेम एज इट इज़, अगर आपका 100 रुपये का पेट्रोल पहले लगता था तो अब आपका 60 या 50 रुपये का ही लगने वाला है। तो ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, प्राइसिंग भी बहुत कम है, 95,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है इस गाड़ी का, तो आप ले सकते हैं। 3 मॉडल्स आते हैं इसमें, और आपको सीएनजी में 1 kg में 102 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। अगर आप 2 kg सीएनजी अगर आप इसमें फिल करवा लिया आपने, तो भाई 204 किलोमीटर की रेंज वहाँ मिल गई। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल की, कि भाई पेट्रोल में कितना खाएगी या कितना देगी हमको एवरेज, तो 65 का माइलेज आपको मिलेगा 330 किलोमीटर की कॉम्बिनेशन में, हाइब्रिड में आपको रेंज आ जाती है, है ना। और गाड़ी में अगर आप सीट लगा के अगर बैठ के देखोगे तो कंफर्ट आएगा आपको, क्योंकि देखो हैंडल बार मिल रहा है इसमें भी, अगर आप बैठ के देखोगे तो सीटिंग कंफर्ट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो सीट है ना काफ़ी लंबी बना के देती है कंपनी, और काफ़ी मतलब विड्थ भी इसकी अच्छी रखी गई है, चौड़ी रखी गई है, और सस्पेंशन का डिज़ाइन ऐसा बनाया कंपनी ने, ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स बाइक में अपसाइड डाउन सस्पेंशन आता है ना, जो आपको 400 cc में मिलता है, उस तरीके से ही कंपनी ने इसे बना के दिया है। तो ऐसे ही लगता है कि भाई गाड़ी है, कुछ ना कुछ कंपनी ने बनाया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये देखो आप, यहाँ पर फ्रीडम लिखा हुआ है ना, और बीच में हमारे इंडियन फ्लैग यहाँ पर मिल रहे हैं, और भाई वर्ल्ड में पहली एक ऐसी लौती बाई गई है जो सीएनजी के साथ आती है। भाई 3 मॉडल्स आते हैं, और सबसे पहला जो मॉडल है ड्रम, वो सबसे बेसिक रहेगा, इसकी प्राइसिंग रहेगी 95,000। सेकेंड वेरियंट जो आने वाला है ड्रम LED, इसकी प्राइसिंग रहेगी 1,05,000। ये सभी एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। और जो ये वेरिएंट आप देख रहे हो डिस्क LED, इसकी प्राइसिंग रहेगी भाई 1,10,000। ये तीनों ही एक शोरूम प्राइस है, तो भाई अपने शोरूम में कहीं भी जाके आप ले सकते हो। अगर आप मेरा वीडियो नागपुर से या नागपुर के आसपास कहीं से देख रहे हो तो नीचे दिए गए नंबर से बजाज RRI नागपुर के टेलीफोन एक्सचेंज चौक के पास, यहाँ पर इनका आउटलेट है, यहाँ पर जाके अपनी गाड़ी आप बुक कर सकते हो, टेस्ट राइड बुक कर सकते हो और अपना सपना पूरा कर सकते हो। भाई कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।